बिसमकुम ग्रेड नाइन प्रीवियस लेक्चर वी डिस वी आर डूइंग द एक्सरसाइज नाइन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर वन एंड टू प्रीवियस लेक्चर वी आर लर्न अबाउट द कोलिनियर सो कोलियर आपके पास ऐसे कोलीनियर आपके पास क्या होता है कि कोई थ्री या थ्री से ज़्यादा पॉइंट जो है वो एक सेम लाइन पे लाए करें तो आपके पास कोलीनियर पॉइंट्स होते हैं अदरवाइज जो जो सेम लाइन पर लाइन ना करें तो वो आपके पास नॉन कोलिनियर होते हैं इसी तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल ट्राइंगल आपने पढ़ी थी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ट्राइंगल आपके पास क्या होता है मीन्स के इसमें ऐसी ट्राइंगल जिसमें आपके पास टू साइड्स ऐसी ट्रा, ट्राइंगल की टू साइड्स आपके पास इक्वल होनी चाहिए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिक्स ऑफ द स्केलन ट्राइंगल ए बी एंड सी मतलब इसके टू पार्ट्स हैं फर्स्ट पार्ट के पॉइंट आपको गिवन है ए बी सी ए आपके पास है वन कॉमा टू बी आपके पास है थ्री कॉमा फोर एंड सी इज इक्वल टू जीरो माइनस वन इसी तरह से एक और ए बी और सी पार्ट गिवन है तो पार्ट नंबर वन अभी हम सॉल्व करते हैं तो पार्ट नंबर वन आपके पास क्या आ जाएगा ये वाले पॉइंट्स आ गए ठीक है ए की आ गया माइनस फोर कॉमा माइनस वन बी आ गया वन कॉमा जीरो और सी आ गया सेवन कॉमा माइनस थ्री अब स्केलन ट्राइंगल क्या होता है अ ट्राइंगल हैज़ थ्री साइड्स आर अन ठीक है ऐसी ट्राइंगल जिसकी थ्री साइड्स अनईक्वल हो तो वो आपके पास स्केलन ट्राइंगल होती है अब ए आ गया वन और टू आ गया ठीक है तो इट्स मीन अब ये वाला हम सॉल्व करें वन टू वाला थ्री फोर बी पॉइंट आ गया और सी तो आ गया जीरो और माइनस वन तो zero, अब वन टू ए आ गया वन टू इज्स मीन एक्स इज इक्वल टू वन वाई वन इज इक्वल टू टू एक्स टू इज इक्वल टू थ्री एंड एक्स वाई टू इज इक्वल टू फोर सिमिलरली सी ज़ीरो कॉमा माइनस वन तो एक्स थ्री इज वल टू जीरो एंड वाई थ्री इज वल टू माइनस वन अब इससे सबसे पहले हम इनके अब इसमें हम लोग इसकी साइड फाइंड आउट करें तो यूज अ डिस्टेंस फार्मूला ए भी हम लोग फाइंड आउट करें ए बी इज इक्वल टू सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं तो एक्स टू माइनस एक्स वन स्केर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्के स्क्र जरूर वेल्यू ऑफ एक्स टू एक्स वन वाई टू एंड वाई वन पुट दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला सो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे थ्री माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टू फोर माइनस टू इज़ इक्वल टू टू मीन टू स्क्र प्लस टू स्क्र इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एट तो एट तो अब फोर टू जर एट आ गया तो टू इन टू स्क्रू टू तो ए बी साइड हमने फाइंड आउट कर दी दिस इज इक्वल टू टू इन टू टू ऑल्सो फाइंड द बी सी सो बी सी यूजिंग अ डिस्टेंस फार्मूला एक्स थ्री माइनस एक्स टू स्क्यर प्लस वाई थ्री माइनस वाई टू स्क्र पुट द वैल्यू जीरो माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड प्लस माइनस वन एंड माइनस फोर मीन माइनस माइनस प्लस फोर माइनस वन इज इक्वल टू फाइव तो अब इससे हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा जीरो माइनस थ्री इज इक्वल टू नाइन और ये आ जाएगा जी ये जीरो माइनस थ्री आ जाएगा माइनस थ्री तो माइनस थ्री का स्क्वायर आप लेंगे तो नाइन आ गया और फाइव का स्क्वायर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव सो नाइन नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू थर्टी फोर इसमें आपने बी सी साइड भी फाइंड आउट कर दिए नाउ फाइंड द नाउ फाइंड ए सी अब ए सी फाइंड आउट करते हैं तो इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे पुट द वेल्यो जीरो माइनस वन इज इक्वल टू वन एंड माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू थ्री थ्री स्क्र इज इक्वल टू नाइन means nine plus one is equal to square root ten अब स्केलन ट्राइंगल प्रूव करना था तो स्केलन ट्राइंगल में आपके पास क्या है थ्री साइड्स आर अनइक्वल ठीक है तो ए भी एक साइड आ गई टू इन टू स्क्र रूट टू बी सी आपके पास एक साइड आ गई square रूट थर्टीन एंड ए सी आपके पास आ गया square रूट टेन हमने प्रूव कर दिया कि दिस इज द ऑफ वर्टिक्स राइट ट्राइंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल हमने जैसे कल पढ़ा था कि मतलब कि एंगल आर जो है वो आ, एंगल आपके पास क्या होगा नाइन्टी डिग्री बाई यूजिंग थ्योरम तो पाइथोग पर पेंडिकुलर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग ये साइड फाइंड आउट करते हैं तो लेट्स सपोज हम लोग बोल देते हैं कि एक ट्राइंगल है अब ये हम लोग बोलते हैं ये आपके पास क्या है जी ये ट्राइंगल है ठीक है अब इसकी साइड्स को हम लोग जैसे नाम दे देते हैं तो साइड्स के लिए हम लोग बोल देते हैं ये आ गया ए जी ये बी आ गया एंड देन ये सी आ गया तो अब इसमें हम लोग ये राइट right एंगल ये राइट एंगल ट्राइंगल है ठीक है तो अब ये नाइन्टी का एंगल आ गया तो अब हम लोग इस पर साइड फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता है ये बेस आ गई ठीक है ये आ गई और ये परपेंडिकुलर आ गई सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से साइड फाइंड आउट नाउ फाइंड द ए बी ए बी इज इक्वल टू यूजिंग अ डिस्टेंस फार्मूला पुट द वैल्यू ऑफ एक्स टू एक्स वन वाई टू वाई वन द वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू सिक्स आ जाएगा ठीक है सिमिलरली फाइंड अब आपके पास ये क्या आ गया जी ए बी क्योंकि आपके पास आपको पता है कि हाईपोर्टन्यूज बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हम लोग ले स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो सिक्स स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ बीस इजिंग अगेन डिस्टेंस फार्मूलाइनस फोर इज इक्वल टू जीरो एंड सिक्स माइनस इंटू माइनस टू सो सिक्स प्लस टू इज इक्वल टू एट तो एट स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए इट्स मीन एट आ गया नॉट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो बी सी एब से बी सी स्क्येर इज इक्वल टू सिक्सटी फोर आ गया नाओ अगेन फाइंड द ए सी ए सी अब हम फाइंड आउट करते हैं अगेन यूजिंग अ डिस्टेंस फार्मूला नाव फुट द वेली सो ए सी आपके पास आ जाएगा स्क्ेयर रुट हंड्रेड अब आपके पास हंड्रेड आ गया इसी तरह से जैसे हमने ए बी लिया है बी सी का स्क्यर ली इस तरह हम लोग ए सी का स्क्यर भी लेंगे क्योंकि बेस हाई फुट नहीं वो हमने साइड फाइंड आउट करनी है तो टेकिंग स्क्यर ऑन बोथ साइड अब हम इस पर स्क्यर लेते हैं स्क्यर हम लोग लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्क्यर और स्क्यर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा और इसमें आपके पास आ जाएगा जी के स्क्र स्क्र रूट कैंसिल तो ए बी स्क्र ए सी स्क्यर इज इक्वल टू हंड्रेड आ जाए ए सी इज इक्वल टू ए सी स्क्यर इज इक्वल टू हंड्रेड आ गया अब हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है राइट एंगल ट्राइंगल जैसे हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम से हमने फाइंड आउट पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या था हाइपोटेन्यूज पोटिन्यू इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो हमने साइड्स को नाम दे दिया ए सी स्क्र इज इक्वल टू ए बी स्क्र इज इक्वल टू प्लस बी बी सी का स्क्वायर ठीक है नाउ पुट द वैल्यू ए सी इज इक्वल टू टेन हंड्रेड आ गया ए बी आपके पास थर्टी सिक्स आ गया और बी सी आपके पास सिक्सटी फोर आ गया एड कर दिया तो हमारे पास हंड्रेड आ गया नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हिंस इट इज़ प्रूफ दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड सेवन इज योर होमवर्क